नमस्कार, आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर गौर करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं आने वाले परीक्षा के लिए, उसको हम देखेंगे। सबसे पहला है कम कीमत के सौर ऊर्जा के सेल जो बनाए गए हैं, ये जामुन से बनाए गए हैं, जो जामुन फल होता है। जामुन में एंथोसाइनिन करके एक पिगमेंट पाया जाता है जो ग्रेडजेल सेल्स में काम में लिया जाएगा। अभी तक ग्रेडजेल सेल्स जो बनते थे वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड से बनते थे, जिस पर फोटो एनोड की कोटिंग होती थी। तो इस के जरिए जो जामुन में एंथोसाइनिन पिगमेंट है वो काम में लिया जाएगा और वो इस फोटोसिंथेसाइजर में काम में आएगा। दूसरा है, सौर ऊर्जा को नापने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई है जिसको बोला है सोलर कैलकुलेशन ऐप। ये इसरो ने बनाई है। इसके द्वारा ये जाना जाएगा कि सौर ऊर्जा के अगर आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी, उसकी लागत कितनी आएगी, उसकी जानकारी दी जाएगी। तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या फ़ायदे होंगे, हम सोलर एनर्जी पोटेंशियल समझ सकते हैं, किस एंगल पर रखना है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा घर में आए या सबसे ज़्यादा ऊर्जा उस सौर ऊर्जा के इंस्ट्रूमेंट पर रहे, उस सब की जानकारी हमें मिलती जाएगी। अगला है बेले टू डिटेक्टर। ये एक स्टडी में इंडिया में इसकी जो चौथी लेयर है वो बनाई गई है और इन छह लेयर में से जो चौथी लेयर है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे में बनाई गई है। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है रोल इन। तो जब ये बेले टू डिटेक्टर आता है तो ये असेंबली एरिया से कोलिजन तक रोल करके जाएगा और जो जाएगा उसको हम रोल इन मोशन कहते हैं। तो ये क्या रिकॉर्ड करेगा, ये क्या नापेगा कि पार्टिकल प्रोसेस किस तरीके से प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेटर में। दूसरा है, अगला है जो है दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल सन जो बनाया गया है, जिसको सिंकलाइट कहा गया है, ज्यूलिज में ये रखा गया है और इसका जो जो बनाया गया है उसमें ज़िनॉन लाइट यूज़ की गई है। ये 10,000 गुना ज़्यादा सौर ऊर्जा को केंद्रित कर सकता है। कितनी जगह पे? 8x8 के स्पॉट पे, और उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड कर सकता है या लाइट प्रोवाइड कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर जो है हनीकॉम जैसा है, जो एक मधुमक्खी के छत्ते में होता है, षटकोण जो कि हम समझ सकते हैं इस तरीके से। अगला है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक विंड टनल बनाई जा रही है। ये त्रिवेंद्रपुरम में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इससे पहले, भारत से पहले, US और रशिया के पास ये ऑलरेडी है। इसमें ये चीज़ें काम में ली जाएंगी, पर सबसे महत्वपूर्ण यही है कि ये अंतरिक्ष खोज में महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जहाँ पर आपका विंड का दबाव बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर ये टनल काम में ली जा सकती है। अगला है न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट, जो कि एक प्रोजेक्ट है तमिलनाडु केरल की बॉर्डर पर। यह शुरू होने वाला था बॉडी वेस्ट हिल्स में। इसको कैटेगरी ए प्रोजेक्ट माना गया है क्योंकि इसको एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की कैटेगरी में डाला गया था, जहां पर इसके बारे में काफ़ी जानकारी हासिल करी गई थी, पर यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में बैन कर दिया है या सस्पेंड कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो होने वाला था वो ये था कि जो पहाड़ी है उसके नीचे एक अंडरग्राउंड टनल बन के 1200 मीटर की ये लेबोरेटरी बनने वाली थी, और क्योंकि ये पहाड़ी के नीचे होगी ये किसी भी तरह की कॉस्मिक ऊर्जा को अंदर आने से रोकेगी। हाइड्रोजन का एक नया फॉर्म बनाया गया है। आज तक हम जो देखते थे वो था H प्लस या हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन, पर अब जो हमें मिला है वो है हाइड्रोजन का नेगेटिव आयन। और ये किस तरीके से बनाया गया है, जब लिक्विड हीलियम को हाइड्रोजन के साथ रखा गया था तो न्यूट्रल चार्ज पर क्रिस्टल्स बने थे। ये न्यूट्रल चार्ज के क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रॉन बीम से पास किया गया तो ये आयनाइज होके एच नेगेटिव दिखाई गए। हालांकि ये थोड़ी सी देर के लिए रहा था, पर स्टिल इसके नेगेटिव स्वरूप को हमने देखा। अगला है बैक्टीरिया ऑपरेटेड बैटरी। अब जो बैक्टीरिया ऑपरेटेड बैटरी है ये आजकल डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम में आ रही है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये लिविंग चीज से बैटरी बनेगी, तो इसमें दो छोर होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि सेल में होते हैं। जो पॉजिटिव होगा वो सिल्वर नाइट्रेट का होगा जो क्रोमेटोग्राफी पेपर पे वैक्स से कोट होगा। जो नेगेटिव होगा वो इस बायोबैक्टीरिया से बना हुआ होगा जो लिक्विड वेस्ट लिक्विड से बना होगा, और इसके थ्रू एक बैटरी बनाई जाएगी जो पेपर टॉनिक्स में काम आएगी। पेपर टॉनिक्स मतलब पेपर और इलेक्ट्रॉनिक्स को एक साथ फ्यूज़ कर देना। दुनिया का सबसे ज़्यादा गर्म
प्रतिरोधक मटेरियल कौन सा है, वो है हैफनियम कार्बाइड, और ये कहाँ पर काम आता है? जो एयरक्राफ्ट मैच फाइव जो कि स्पीड होती है, उस स्पीड से ऊपर जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, रगड़ के कारण, फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर या तापमान बहुत अधिक हो जाता है। तापमान अधिक होने के कारण वहाँ पर बहुत ही हीट या गर्म प्रतिरोधक मटेरियल की ज़रूरत है। तो हैफनियम कार्बाइड ही वो एक मटेरियल है जो 4000 डिग्री तक की गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है और पिघलता नहीं है। अगला है इंडियन ओशन में मॉरिशस के नीचे एक नए कॉन्टिनेंट की, एक नए प्रायद्वीप की खोज की गई है, और वो जो है वो किससे बना हुआ है, वो जिरकॉन से बना हुआ है जो कि 3 बिलियन वर्ष पुरानी है। इसमें जिरकॉन जो है ग्रेनाइट के फॉर्म में है, और जिरकॉन के अलावा यूरेनियम, थोरियम और लेड भी, सीसा भी देखा गया है। अगला है ग्रेव्स 3 टेलीस्कोप का पूरा नाम है गामा रे एस्ट्रोनॉमिकल PV3 एनर्जीज फेस 3। अब ये क्या करता है, ये सौर्य जो स्टॉर्म्स होते हैं, जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, उनका पता लगाता है। और कहाँ से पता लगाता है, L1 पॉइंट से, जिसको लैंग्रेज पॉइंट कहते हैं। तो सैटेलाइट क्या होता है, लैंग्रेज पॉइंट पर रखा जाता है और वो दोनों को ऑर्बिट करता है, वो सन को भी ऑर्बिट करता है और अर्थ को भी ऑर्बिट करता है, और फाइनली इस सन स्टॉर्म्स का पता लगाता है। सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ये है जिसमें पानी को इस तरीके से वाष्प बनाया जाता है कि उसमें कोई भी एनर्जी का कंजम्पशन ना हो, क्योंकि एनर्जी का कंजम्पशन नहीं हो रहा है या ऊर्जा का काम में नहीं आ रही है। इसकी कॉस्ट या इसकी लागत बहुत ही कम है, इसमें फ्यूल बहुत ही कम लगता है और इसकी एफिशिएंसी या इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। तो ये इंडिया में NTPC और भेल ने मिलकर सबसे पहले चालू किया है। चालू किया गया था CMD मिशन के अंदर, द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यूनिसेफ का, UNFCCC का, द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। अगला है 4 नए एलिमेंट जो डिस्कवर किए गए हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है, निहोनियम, मॉस्कोवियम, टेनेसियन एंड ऑर्गेसन। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, मॉस्कोवियम मॉस्को के नाम पे नाम रखा गया है, टेनेसियन यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में एक स्टेट है टेनेसी, उसके नाम पे रखा गया है, जहाँ पे ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है ऑर्गेसियन, ये नाम यूरी गैंगेसियन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने बहुत सारे सुपर हैवी एलिमेंट्स की खोज की। और ये दूसरी बार है कि किसी आदमी के नाम पे, किसी इंसान के नाम पे किसी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट का नाम रखा गया है। इसके पहले जो 106th एलिमेंट था सीबॉर्गियम, उसका नाम रखा गया था ग्लेन टी सीबॉर्ग के नाम पर, जिन्होंने उसको डिस्कवर किया था। तो ये 4, जैसा कि आप देख सकते हैं, पीरियोडिक टेबल के नए एलिमेंट्स हैं, निहोवियम, मॉस्कोवियम, टेनेसियम और ऑर्गेसन। अगला है ग्रेफीन। ग्रेफीन कार्बन का ही एक रूप है, ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है, स्टील से भी ज़्यादा, स्टील से 100 गुना कठोर माना गया है, और इससे दुनिया का सबसे पतला बल्ब भी बनाया गया है। ये अलग अलग जगहों पे काम में आया जाता है, कंस्ट्रक्शन में, प्लेन में, फ्लेम रिटार्डेंट में, आपके पवन चक्की में। अब सोयाबीन से ग्रेफाइन बनाया जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ग्राफ एयर टेक्नोलॉजी। तो सोयाबीन तेल से जो ग्रेफाइन बन रहा है, जब उस पर हीट पड़ती है तो ग्रेफाइन बनता है। इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी है और ये अलग अलग चीज़ों में काम में लिया जा रहा है। पेफ्टा, PFTBA जो है पर फ्लोरो ट्राई ब्यूटाइल अमीन, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, अमोनिया का N तो रह गया, पर उसके हाइड्रोजन की जगह वहाँ पर फ्लोराइड अटैच हो गया, तो 3-ब्यूटाइल मोर्टिस इस पर अटैच होते हैं फ्लोराइड के। ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम में आता है, पर ये पर्यावरण को बहुत ही तरीके से नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है जो हमारी दवाइयाँ बनती हैं, उसकी 2 कंपोजिशन होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं उसमें, एक होता है API और एक होता है एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट वो होता है, वो मीडियम या वो माध्यम जिसमें दवाई बनी है। जैसे बच्चों की अगर हम लिक्विड पैरासीटामोल की बात करें, तो जो लिक्विड होता है वो तो क्या हो गया, एक्सीपिएंट, वो इनर्ट है, वो सिर्फ फ्लेवर देने के लिए, लिक्विड करने के लिए, मीठा करने के लिए बनाया गया है। जो API है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो उसमें सही में दवाई है, जैसे पैरासीटामोल, तो उसमें लिक्विड इतना सारा है, पैरासीटामोल तो 5% होगा या 10% होगा, जो भी है। तो वो पैरासीटामोल API हो गया, एक्टिव ड्रग हो गया, जो एक्टिव है, और बाकी सब इनएक्टिव है। फिर बनाया गया सिलिका एरोजेल। सिलिका एरोजेल दुनिया का
सबसे हल्का सिंथेटिक मटेरियल है, इसको ब्लू एयर या फ्रोजन स्मोक भी कहते हैं। इसरो ने इसको बनाया है, चंद्रयान 2 मिशन में ये काम में लिया गया था। 99% इसमें हवा है, पर ये गर्मी को रोकने में कारगर है। अगला है पोटेशियम ब्रोमेट, ये हम ब्रेड में और आटे में आजकल काम में लिया जा रहा है। ये अभी FSSAI ने बैन कर दिया गया था, द फूड इंडस्ट्री ने। क्यों? क्योंकि इससे माना जाता है कि ये कैंसर फैलाता है। जो दूसरे इस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें काम में आया जाता है वो है कॉफ़ी, एलोवेरा, मोबाइल फ़ोन रेडिएशन और ब्लैक कार्बन। ये सब इक्विवेलेंट ही ख़राब हैं और इन सब के बहुत नेगेटिव इफेक्ट है। ये एक एडिटिव है जो हम ब्रेड में डालते हैं। अगला है पोटेशियम क्लोरेट, ये फायर इंडस्ट्री में पटाखे बनाने के उद्योग में काम में आता है। जब पटाखे बनाए जाते हैं तो ये अलग अलग कलर देता है, इसलिए ये सस्ता होता है, इसलिए काम में लिया जाता है। पर ये आजकल बैन हो चुका है। फिर भी अभी एक पटाखे की इंडस्ट्री में आग लगी थी जो पुतिंगल देवी टेम्पल के पास में थी कोलाम में, और उसके बाद वापस पोटेशियम क्लोरेट न्यूज़ में आया। फिर है फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम, ये देखता है कि कौन कौन सी दवाइयाँ आदमी के लिए सेफ हैं और किन किन दवाइयों का क्या एडवर्स रिएक्शन है या क्या गलत प्रभाव है जो आदमी पे पड़ सकता है। 3 क्षेत्र हैं जो इसके बाहर हैं, वो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये निर्धारित किया गया है। फिर अगला है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ये मेक इन इंडिया के तहत आई है और इसमें ये समझाया गया है कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े उत्पादों का कॉमर्शलाइजेशन किया जा सकता है, नई खोज की जा सकती है, सस्ते वैक्सीन बनाए जा सकते हैं जो भारत देश में बने। रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी बिल ये कहता है कि हर रीजन में एक बायोटेक्नोलॉजी का सेंटर होना चाहिए, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर किया जाना चाहिए, यहाँ पर शोध होनी चाहिए और एजुकेशन के पर्पज़ के लिए काम में आना चाहिए। फिर है CSIR ने एक हर्बेरियम बनाया है, हर्बेरियम वो जगह है जहाँ पर प्लांट्स वगैरह के सैंपल रहते हैं, तो 1,00,000 से ज़्यादा हर्बेरियम कलेक्शंस यहाँ पर देखे गए हैं। अब 2 चीज़ें इसमें खास न्यूज़ में आई थी, एक तो हर्बीच्यू के नाम से एक उत्पाद आया है जो तंबाकू वाले गुटखा को रिप्लेस करता है या उसकी जगह आप मुंह में ले सकते हैं और वो नुकसान नहीं करेगा। और दूसरा है मुक्ताश्री, ये कम आर्सेनिक क्ले के जो नई वैरायटी बनाई गई है चावल की वो है। अब अगला है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, इंडिया में सिर्फ एक ही क्रॉप ऐसी है, एक ही फसल ऐसी है जिसमें जेनेटिक मॉडिफाइड वैरायटी अलाउड की गई है, वो है कॉटन। उसकी 2 वैरायटीज आई हैं अभी, POP BT1 और F1861। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि BT कॉटन होता क्या है। BT कॉटन क्या करता है कि जो कपास पे जो इन्फेक्शन लगता है उसको बोलते हैं बुलवर्म कॉटन पेस्ट, और ये इस बुलवर्म पेस्ट को मार देता है, तो इसके लिए BT कॉटन महत्वपूर्ण है। अगला है क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट, क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट में क्या होता है, जो बादल हैं उसमें अगर आप सिल्वर आयोडाइड डाल देंगे या ड्राई आइस डाल देंगे तो बादल उसके आसपास इकट्ठा होंगे और इसके कारण वर्षा की संभावना बढ़ जाएगी। ये पहली बार भारत देश में प्रोजेक्ट हो रहा है जो 250 करोड़ की लागत पे है और महाराष्ट्र राज्य में होगा। थबर जो है एक रबर जैसा मटीरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की कंडक्टिविटी, जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा है, ये विषैला नहीं है और लिक्विड मटेरियल है जो काम में लिया गया है। दूसरा है टेलीमेट्री एंड टेलीकमांड प्रोसेसर, ये इसरो ने बनाया है। ये किस लिए काम में लिया गया है, ये स्पेस में अपलिंक और डाउनलिंक रिक्वायरमेंट के लिए काम में लिया जाएगा, तो स्पेस क्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए ये काम में आता है। अब 5 नए सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए हैं जो सर्न लेबोरेटरी में, जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर अभी न्यूज़ में आया था उसमें डिस्कवर किए गए हैं, वो ये 5 हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इनके नंबर्स हैं वो इनके भार को बताते हैं, और जो ये OC है ये ωC0 बताता है, जो पार्टिकल है ये पार्टिकल बेरॉन की एक्साइटेड फॉर्म है। इसमें 3 क्वार्क होते हैं जिसमें से 2 स्ट्रेंज हैं और 1 चांद क्वार्क है। अब ये जब दूसरे बेरॉन से टकराता है तो इससे Z+ और K-K- निकलता है, जो Z+ होता है वो वापस टूट के प्रोटॉन, केऑन और पियॉन बनाता है,
तो ये इस तरीके का प्रोसेस है। दुनिया का सबसे पतला लेंस डिस्कवर किया गया है, जो कि नॉर्मल आदमी के बाल से भी 2000 गुना पतला है। ये आजकल के बेंडेबल टीवी में काम में आ रहा है। और इसको किस में काम में लिया जाता है, किससे बनाया गया है, इसको मॉलिबिडियम डाइसल्फाइड से बनाया गया है। अब है विद्युत पर्व। विद्युत पर्व एक तरह की मोबाइल एप्लीकेशन है जो रियल टाइम, जो आज की तारीख में जितनी भी पावर सप्लाई है सारे गांव में, उसका निर्धारित करती है किन किन एरिया पे कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, उसकी जानकारी देती है। ये सारी जानकारी आज में कितनी है, कितनी एक्स्ट्रा है, कितनी कम है, उसकी जानकारी दी जाती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा की जाती है। इसमें हमने देखा कि कौन कौन से प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, उसकी जानकारी हमने ली। आगे की क्लास में हम और देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें से किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।